बच्चे पढ़ने वाले बच्चे पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस तरह लड़कियों को बाहर निकाला जा रहा है जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हो। ये तो क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता, और एक इंसान जो पढ़ने वाला बच्चा हो जो आगे हमारे देश का कल फ्यूचर बनेगा उस फ्यूचर के साथ इस तरह होगा तो इसको बिल्कुल भी निंदनीय है, सहनीय नहीं होगा। इसके लिए हम बिल्कुल जोरदार आवाज उठाएंगे। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन इस तरह से इतनी निर्दयतापूर्वक घटना हुई है जिसकी आप किस हद तक कोई भी जो है अमानवीय व्यवहार है बिल्कुल ही, कि बच्चे पढ़ने वाले बच्चे पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस तरह लड़कियों को बाहर निकाला जा रहा है जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हो। ये तो क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता, और एक इंसान जो पढ़ने वाला बच्चा हो जो आगे हमारे देश का कल फ्यूचर बनेगा उस फ्यूचर के साथ इस तरह होगा तो इसको बिल्कुल भी निंदनीय है, सहनीय नहीं होगा। इसके लिए हम बिल्कुल जोरदार आवाज उठाएंगे। और दिल्ली पुलिस हाय हाय, 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 दिल्ली पुलिस हाय हाय। ये बिल्कुल छात्र कह रहे हैं कि जानबूझ के जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली पुलिस है, वो जामिया को निशाना बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अगर सामाजिक तक इसमें अगर मिल गए हैं तो उसकी पहचान करना तो पुलिस का काम है, लेकिन जो निर्दय लोग हैं उनको क्यों मारा जा रहा है? अगर वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया है, डेमोक्रेसी ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है। अगर वही अधिकार हमसे छीना जाएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। और ये केवल जामिया की लड़ाई नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की लड़ाई है जो बिल्कुल मानवता में विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाइयों की लड़ाई है। और इंशाअल्लाह और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी इस लड़ाई को मिलजुल कर लड़ेंगे और इसके लिए हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। क्या क्या लगता है, रात पूरी रात पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चलाया, आसपास के छात्र सब लोग आए, अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जिस तरह वहाँ पे जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों के साथ ये गलत हुआ है उसकी उनके साथ पहले तो इंसाफ हो, जिनके साथ गोली लगी है उनके लिए जो है सरकार बिल्कुल जो है क्या कहते हैं इलाज का पूरा खर्च उठाए। और अगर प्रोटेस्ट करने की हमसे मांग की जा रही है, अगर हम प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं तो हमें मांग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर ही दिया जाए बिल्कुल, ये क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी राइट है। और सरकार जो लेकर आई है ये NRC और CAB, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं क्योंकि ये जो है मानवता के बिल्कुल ही खिलाफ है। किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और केवल इसमें मुस्लिमी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें केवल मुसलमान ही इसका विरोध नहीं कर रहे बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग इसमें आके इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की वैसे ही GDP बिल्कुल लगातार डाउन हो रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार हमारे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार उन मुद्दों से भटका के नए नए बिल ला के समाज में क्या कर रही है, लोगों में आपसी तफरका बढ़ा रही है, आपसी भेदभाव को बढ़ा रही है। क्योंकि ये जो 70 सालों से हमारा देश आज़ाद हुआ, लगातार तरक्की किया और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लगातार हमारा देश क्या हो रहा है, सर मोदी सरकार के आने के बाद GDP लगातार डाउन हो रही है। तो सरकार क्या कर रही है, अपने मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को दूसरे तरफ भटका रही है। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस जो कैंपस के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, शायद AMU की वो वीडियो है और उसमें वो गाड़ियों को पुलिस खुद तोड़ रही है, देखा है जरा सुन जी। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंदर भी कल ऐसी वारदात हुई है बल्कि बाकायदा जो है यहाँ पे जो ऑरेंज वाली गाड़ियाँ हैं उसके अंदर दिल्ली पुलिस खुद तेल डालते हुए दिखी है। क्योंकि जब बस के अंदर आगे जाके तेल डाला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके एक बोतल में पानी डाल रही है बल्कि दिल्ली पुलिस खुद ये काम कर रही है। और ये कोई मैं अकेले नहीं बता रहा बल्कि ये वीडियो पूरी तरीके से पूरे भारत में वायरल हो चुकी है और जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए खुद जंतर मंतर पर आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से JNU के बाद JNU में भी प्रोटेस्ट हुआ था शिक्षा को लेकर के, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी को बराबरी का दर्जा भी देता है और पढ़ने लिखने का अधिकार भी देता है, क्या ये शिक्षा के ऊपर बड़ा आघात है कि किसी को भी आगे बढ़ने ना दिया जाए, पढ़ने ना दिया जाए और अपनी वो राजनीति जो सत्ताशाही करना चाहते हैं वो मनमानी कर सके? जी आप देखिए, सिर्फ JNU नहीं, JNU, जामिया, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये देश की चार बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सिर्फ यही नहीं, आप वेस्ट बंगाल में देखिए वहाँ पे कोशिश होती है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ देखिए ऐसा है जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वो सवाल पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC बिल ये आप अपने पास रखिए, आप ये बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे क्यों है, आप ये बताइए देश में हर किसी के पास समानता क्यों है, क्यों नहीं है, आप ये बताइए कि हमारे पास पीने को साफ पानी क्यों नहीं है, आप ये बताइए कि हमारी सड़कें अच्छी क्यों नहीं है, क्या सरकार को इसी चीज का डर है? और क्योंकि सरकार हमारी अक्सर उन नेताओं के हाथ में होती है जो कि पढ़े लिखे होते ही नहीं है, तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, वो हमेशा उन्हें अपने दुश्मन की तरह दिखते हैं। और इसलिए सरकार इस समय छात्रों को अपने दुश्मनों की तरह देख रही है, क्योंकि अगर दुश्मनों की तरह ना देखती तो निहत्ते छात्रों पर, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हुए छात्रों पर कौन रात में पुलिस अंदर भेज देता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बिना, और उन्हें इस तरीके पीटता है जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा होगा, इस तरीके से पीटता है जिससे कि उनके हाथ टूट जाए, पैर
टूट जाए, उनके घर वालों को एक मैसेज चला जाए कि आज कितने लोगों का मेरे पास फोन आया है कि हम प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं आएंगे, हमारे घर वाले लगातार मना कर रहे हैं। हम इस डर में क्यों जी रहे हैं, ये देश इस डर में क्यों जी रहा है, हर किसी के घर वालों को क्यों फोन करना पड़ रहा है। और ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, हम दोनों जामिया से, ये जो लड़ाई है हिंदू मुसलमान की नहीं, भारत को बचाने की लड़ाई है, ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है, हम मिलके लड़ेंगे। वो लाख कोशिश कर ले देश को तोड़ने की, देश को बंटवाने की, लाख कोशिश कर ले हिंसा भड़काने की, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रोटेस्ट भी जारी रखेंगे, अपनी मांगे भी करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी, और सारे देश के छात्र इस समय एक होंगे, यूनिटी से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आतंकवादियों की बार बार सरकार बात करती रहती है, आतंकवादी जो इतने पकड़े नहीं जाते, दिखाई नहीं देते, क्या छात्र आज के समय में आतंकवादी नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उनको घेरा जाता है, उनको इससे तो यही लगता है कि सरकार को तो यही लगता है कि छात्र ही आतंकवादी है। लेकिन आप ये सोचिए, मैं एक सवाल आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ कि हम इस समय दिल्ली में है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जामिया में क्या होता है आपको दिख जाता है, अलीगढ़ में भी क्या होता है आपको दिख जाता है, आसाम में तो इंटरनेट बंद कर दिया, वहां कुछ दिख ही नहीं रहा, हो क्या रहा है, कश्मीर में तो कब से इंटरनेट बंद है, कुछ दिख ही नहीं रहा, हो क्या रहा है। तो जब दिल्ली ये जामिया में रात में घुसकर इतनी गोलियां हवाई फायरिंग कर सकती है पुलिस, बच्चों के हाथ तोड़ा दिए टीयर गैस शेल से, तो जरा एक बार सोचिए कि जहां की आपके पास जानकारी नहीं पहुंचती, वहां पे क्या हालत कर रही होगी छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, आम जनता के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।